हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजुन, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपके, और ऑनलाइन क्लास के अंदर सारे जो सरस्वती इंग्लिश एकेडमी के जो डियर स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग सीख रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज वर्ड्स सो रिलेशंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउंस एंड अनदर सम सेंटेंसेज आल्सो विषय प्रोनाउंस। एंड प्रोनाउंस के अंदर हमने इनका प्रयोग किया, फिर ऑन का, अंडर का, इनटू का, एट का और टू का, सारे प्रयोग आपको आते हैं। टू का प्रयोग कब करते हैं? जब हम किसी स्थान की ओर जाते हैं, जब हम किसी स्थान की ओर जाते हैं तब हमें टू का प्रयोग करना चाहिए। एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए, या फिर हम जब किसी वस्तु के नज़दीक खड़े रहते हैं तब भी हम एट का ही प्रयोग करते हैं। इनटू, पहले हम कहीं बाहर थे फिर हम जंप करके अंदर जाते हैं तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अंडर, अंडर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है तब हमें अंडर का प्रयोग करना चाहिए। ऑन, जब एक वस्तु जो है वो किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई है और दोनों में टच हो रहा है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। उसके बाद में इन, इनका प्रयोग कब करेंगे? जब हम किसी पहले से ही गिरे हुए स्थान के अंदर हैं तब हम इनका प्रयोग करेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। बाय का प्रयोग, किसी भी साधन का नाम हो फोर व्हीलर तब बाय का प्रयोग करते हैं, या कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो तब भी हम बाय का प्रयोग करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों बिट विन। अभी हम कौन सा प्रयोग करना सीखेंगे? बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग कब करते हैं? देखो बच्चों, अगर कोई काम है वो काम दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। जैसे लड़ाई जो है राम और रावण के बीच में हो रही है तो लड़ाई कितने व्यक्तियों के बीच में हो रही है? दो, ओनली टू पर्सन, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। किसका प्रयोग? बिटवीन का। या फिर मैं ये कहूँ मेरे पास मिठाई के दो पैकेट हैं, मैंने किसी से बोला इन दोनों पैकेट को रमेश और सोहन के बीच में बांट दो, तो यहाँ रमेश और सोहन कितने व्यक्ति हैं? टू पर्सन। व्हेन वर्क डन इनटू टू पर्सन वी यूज बिटवीन। जब कार्य जो हैं दो लोगों के बीच में होता है तब हमें बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। जब काम दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है तब हमें बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। लुक, बिटवीन, दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई भी काम होगा तब हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। डिवाइड स्वीट, डिवाइड स्वीट, मिठाई को बांटो। डिवाइड स्वीट मींस मिठाई को बांटना है बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। मिठाई को राम और लक्ष्मण इनके बीच में बांटना है, तो देर आर टू पर्सन। यहाँ पे हम कितने पर्सन्स की बात करें? टू पर्सन्स की, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? बिटवीन का प्रयोग। जब कोई वर्क दो व्यक्तियों के बीच में होगा तब हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल इज स्टैंडिंग। राहुल खड़ा है, राहुल जो है वो खड़ा है बिटवीन, बीच में मोहन एंड मदन। राहुल जो है मोहन और मदन के बीच में खड़ा है, तो हाउ मैनी पर्सन्स? टू पर्सन्स, मोहन एंड मदन। तो हमें यहाँ पे किसका प्रयोग किया? बिटवीन का प्रयोग।
किसका प्रयोग किया? बिटवीन का प्रयोग. नेक्स्ट, द पेंटिंग इज बिटवीन द विंडो एंड द क्लॉक. मेरे पास एक पेंटिंग है और मैंने उस पेंटिंग को खिड़की और घड़ी, खिड़की एक साइड में है, एक साइड में घड़ी है, दोनों के बीच में मैंने उस पेंटिंग को हैंग कर दिया, लगा दी. तो मैं किसका प्रयोग करूँगा डियर स्टूडेंट्स? बिटवीन का. क्योंकि पेंटिंग जो है कितने वस्तुओं के बीच में है? ओनली टू थिंग्स, दो वस्तुओं के बीच में पेंटिंग है, इसलिए मैंने बिटवीन का प्रयोग किया. लुक, माय बैग, मेरे पास में एक बैग है. मेरा जो बैग है वो सीता और गीता दो गर्ल्स के बीच में रखा हुआ. तो मेरा बैग कितने पर्संस के बीच में रखा है, कितने लोगों के बीच में है? टू पीपल्स, गीता एंड सीता. तो किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का. किसका प्रयोग होगा? बिटवीन. बिटवीन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम दो लोगों के बीच में किया जाता है या दो लोगों के बीच में होता है. जैसे मेरे को चीन एंड पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं. चीन एंड पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं. तो हमारे पड़ोसी कितने देश हुए? टू. या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज भारत और इंग्लैंड का मैच है. तो मैच किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. जब हम दो व्यक्तियों के बारे में, दो देशों के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहे तब हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे. बिटवीन मीन्स दो के बीच में. बिटवीन मीन्स दो के बीच में. ऑल डियर स्टूडेंट्स, यू राइट फॉल्स सेंटेंसेज इन योर नोटबुक एंड लर्न इन योर माइंड. तो बच्चों, आज आपने किसका प्रयोग सीखा? बिटवीन का. आप बिटवीन के प्रयोग को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये जो है रमेश हैं और यह महेश है. रमेश और महेश है और मेरा जो बैग है वो इन दोनों के बीच में पड़ा है. बैग, तो मेरा बैग कितने लोगों के बीच में है? दो लोगों के बीच में, रमेश और महेश के बीच में. तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? बिटवीन का. किसका प्रयोग किया मैंने? बिटवीन का. और मैं जो है, मैं कार और बस इन दोनों के बीच में खड़ा हूं. तो बच्चों, मैं कहां पे खड़ा हूं? कार और बस के बीच में. ओनली टू व्हीकल्स, दो व्हीकल है. आई स्टैंडिंग बिटवीन कार एंड बस. आई स्टैंड बिटवीन कार एंड बस. मैं कार और बस के बीच में खड़ा हूं. जब हम दो की बात करेंगे तब हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे. और अगर हमें दो से अधिक के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी हैं और उनके अंदर मिठाई बांटनी, तो विद्यार्थी दो से अधिक हैं, तब हम करेंगे एमोंग, AMONG. एमोंग का प्रयोग कब करेंगे? जब दो से अधिक हो. लेकिन फिलहाल आपको बिटवीन का प्रयोग सीखना है. एमोंग का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शो करवाएंगे. ओके, आप राइट ऑल सेंटेंसेज. तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? बिटवीन का प्रयोग सीख लिया ना. बिटवीन मीन्स
दो के बीच में। जब कोई काम दो के बीच में होगा तब आपको बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए। एक बार सारे वीडियो सेंटेंस पढ़ लो। डिवाइड स्वीट, डिवाइड मीन्स बांटना, स्वीट मीन्स मिठाई, बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण के बीच में मिठाई बांटो। राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड मदन। द पेंटिंग इज बिटवीन द विंडो एंड द क्लॉक। माई बैग इज बिटवीन सीता एंड गीता। माई बैग इज बिटवीन सीता एंड गीता। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, आप अपने इन सारे सेंटेंस को अपनी नोटबुक में नोट करो और इनको लर्न करो। और आप भी इन सेंटेंस के जैसे और भी सेंटेंस सेल्फ प्रैक्टिस करके बनाएं। और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को वीडियो जब देखते हैं तो उनकी कॉपी में लिखने को उनसे कहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में सारे सेंटेंस लिखिए और सारी प्रीपोजिशन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लर्न कीजिए। ओके।